गुजरात का एक और बड़ा एजाज, हल्का NA-68 चौधरी हुसैन इलाही ने अपोजिशन लीडर के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। चौधरी हुसैन इलाही अपोजिशन लीडर के तौर पर मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। याद रहे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर गुजरात है, वो वजारत आला पंजाब की बात हो या स्पीकरशिप की। कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर के चौधरी हुसैन इलाही का कागजात नामजदगी हासिल करना बिलाशुबा एक बड़ा सियासी कदम है, जबकि हल्का NA-68 में चौधरी हुसैन इलाही की मकबूलियत इस कदर है कि अपोजिशन के लोग भी चौधरी हुसैन इलाही के काम की तारीफ करते दिखाई देते हैं। याद रहे कि इससे पहले कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर नून लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, जबकि दूसरी जानिब काफ लीग के दो रुकने कौमी असम्बली चौधरी तारक बशीर चीमा और चौधरी सालिक को हुकूमत की जानिब से वजारतें दी गई हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि चौधरी सालिक हुसैन ने वजीर आजम के हक में जो अपना वोट दिया वो मेरी मुशावरत के साथ दिया था।